आप जो तस्वीरें देख रहे हैं यह एक तस्वीरें हैं मथुरा जिले के छाता में स्थित प्राथमिक विद्यालय छाता की, जिसमें छोटी छोटी मासूम बच्चियों पढ़ने की बजाय लगाती हैं झाड़ू व पोछा। किसी का आदेश हो या कोई कुछ क्यों न कहे, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे क्योंकि हम हैं महिला टीचर, हमें सब माफ है। मथुरा के छाता इलाके के माध्यमिक स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें बच्चे स्कूल प्रांगण में झाड़ू लगा रहे हैं। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर यानी देश के उस महात्मा की जयंती है जिसे लोग बापू कहकर पुकारते हैं। गांधी जयंती पर जहां स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं और स्कूली बच्चों को गांधी जी के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन छाता के माध्यमिक स्कूल के वायरल हुए वीडियो में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, जिसमें साफ जाहिर होता है कि स्कूल में पढ़ने आए बच्चों से पहले स्कूल की सफाई कराई जाती है और समय रहा तो पढ़ाई, इससे फिर एक बार शिक्षा विभाग पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब इस वायरल हुए वीडियो के बारे में माध्यमिक स्कूल की प्रधानाचार्य राधा से बात की तो प्रधानाचार्य राधा का कुछ इस तरह जवाब था, आप खुद ही सुन लीजिए। आपने सुना कि महिला टीचर ने क्या कहा और किस अंदाज में क्या जवाब दिया। इस महिला टीचर का नाम राधा है, जो कि छाता के माध्यमिक विद्यालय प्रथम में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है। वैसे उत्तर प्रदेश में ये कोई नई बात नहीं है, जहां बच्चे स्कूल में झाड़ू लगा रहे हो और छोटी छोटी बच्चियां स्कूल में पोछा लगा रही हैं। कई बार ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं और उनकी पड़ताल भी की गई है, लेकिन योगी सरकार जो है, जिसने शायद ऐसे टीचरों को अभिदान जो दे रखा है, वही पूर्व माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य सरिता से बात हुई तो उन्होंने बच्चों के द्वारा स्कूल में झाड़ू लगाए जाने पर कहा कि ये सरासर गलत है, बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं न कि सफाई करने। आप देख रहे हैं मथुरा से हेमंत कटारा की रिपोर्ट। भैया आप कौन हैं? आपको अधिकार है पूछने का? नहीं, कहाँ से आया? मीडिया से। अंदर आ, मोबाइल है आपको उठा के जब बताऊं। तुम बालागंज में काम करवाते हो? अरे हमने कहा कहीं बालागंज है। मैम यहाँ पे ये बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? भैया इसका अभियान है, इसमें सभी बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, अध्यापक भी प्रतिभाग कर रहे हैं। हाँ मैम, क्या बताना चाहोगे आप? आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है और उसमें ये बच्चे यहाँ सुबह आते हैं और झाड़ू लगाते हैं। नीचे कर ले जब बताऊंगी, मोबाइल नीचे कर। मैम बताइए क्या कहना चाहते हैं? अरे नीचे तो कर मोबाइल है, चल तू बना ले। आप किस पद पे हो यहाँ? अरे बनवा ले। आप किस पद पे हो यहाँ? तू बना ले मोबाइल। मैम किस पद पे हो आप यहाँ? प्रधानाध्यापक हूँ। प्रधानाध्यापक हो? मैम क्या नाम है आपका? अच्छा आप इस स्कूल में क्या है? तो किस नाम से है आपका इस स्कूल? पूर्व माध्यमिक विद्यालय छाता देहा। छाता देहा। तो बताइए आज जो 2 अक्टूबर है यहाँ पे मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप बताएं। 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है और आज के ही दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन मनाया जाता है, जो कि हमारे विद्यालय में मनाया जा रहा है बच्चों के बीच में, और ये बड़ा खुशी के साथ हर साल मनाया जाता है, जो आज भी मनाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ बच्चों से यही कामना करते हैं कि कोई एक नया और कोई नया जो है गांधी निकल के आए तो बड़े गर्व की बात होगी। और मैडम ये बताइए कि यहाँ पे जो बच्चे झाड़ू दे रहे हैं, इसका क्या महत्व है? क्या बच्चों को झाड़ू लगवाई जाती है? नहीं, मेरे देखो मैं झुंड की हूँ, मेरा तो 1 घंटे से आए भैया यहाँ पे, क्या कोई यहाँ पे झाड़ू लगा रहा था बच्चा? हम लोग आए हैं, हमने कवरेज किया है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं और पोछा भी लगा रहे हैं, कमरे की सफाई कर रहे हैं, तो क्या बच्चों को झाड़ू लगवाई जाती है? बताएं मैम कितना स्टाफ है आपके विद्यालय? मेरे यहाँ तो केवल 3 विद्यालय है। उपस्थित कितने हैं? 3 है, एक सेवक है मेरे यहाँ पे, तो मेरा तो झुंड विद्यालय है अभी। तो अब क्या मानोगी कि बच्चों से जो झाड़ू लगवाई जाती है, इसके बारे में क्या मानोगी? गलत है यार, ये तो गलत है। गलत है ना, और क्या? फिर क्यों लगवाते हैं? ये तो गलत है। लेकिन उसमें क्योंकि हमारा 2 अक्टूबर की जयंती में स्वच्छ भारत अभियान को प्रथम रूप दी गई है, तो ऐसा नहीं है कि राधा मैडम साथ में उनके नहीं होंगी। जहाँ तक मेरा कहना है, बच्चे उनके साथ स्वच्छ भारत अभियान का संदेश देने के लिए कि हमें अपना वातावरण स्वच्छ रखना चाहिए, इसलिए वो एक जो युवतियाँ उनके साथ होंगे, ये सब सामूहिक कार्य सामुदायिक साहब। आज हमारे सारे नेता लोग भी हाथों में झाड़ू लेके हैं, तो हम टीचर और बच्चे क्यों नहीं साथ हैं?
और मैम जैसा कि वहाँ देखा जा रहा है कवरेज के दौरान वहाँ पे अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम ऐसा आप बोल रही हैं कि टीचर वहाँ पे या प्रधानाचार्य वहाँ पे साथ में लगी हुई हैं, वो कुर्सियों पे बैठी हैं और बच्चे झाड़ू पोछा कर रहे हैं स्कूल के अंदर? सारे मैं उनसे संज्ञान लूंगी अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो, ये सभी का हमने कवरेज किया है वहाँ पे, इसका मैं संज्ञान लूंगी।